हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस गाउन का शृंग बनाना सिखाऊंगी। ये गाउन भी मैंने अम्ब्रेला कट बनाई हुई है, प्लेन गाउन। इसके ऊपर जो हम बनाएंगे शृंग, वो प्रिंटेड फैब्रिक का बनाएंगे। ये वाली गाउन मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बनानी सिखाई है। आज जो हम शृंग बनाएंगे वो नीचे से हैंगी कट होगा और उसकी जो कटिंग होगी वो अम्ब्रेला कट होगी। इस वाली गाउन से थोड़ा हम शॉर्ट बनाएंगे। पहले हम छोटी सी ड्राफ्टिंग करेंगे आपको समझाने के लिए। इस तरह हमने ये पेपर लिया है, आपको हम ये रफली बता रहे हैं। ये ऊपर चोली के लिए पेपर लिया है, पहले इसमें रफली निशान लगा लेंगे। यहाँ तक शोल्डर है हमारे, शोल्डर से ये हमने यह आरगोल के लिए लिया है गोलाई, ये नेक और ये शेप। तरह ही हमने एक पीस कट कर लिया है। इसके जो नीचे की घेर बनाएंगे वो हम अम्ब्रेला कट बनाएंगे। इसके लिए हमने ये पेपर लिया है। हम एक ही पीस कट करेंगे जिस तरह हमने ये वाला एक पीस कट किया है। इसको हम पेपर को तिकोना फोल्ड करेंगे इस तरह, और ये जो हमारा नीचे का पोर्शन है इसको हमने ये डबल कर लिया है, यहाँ पर रखेंगे। और फिर यहाँ से इसकी लेंथ लेंगे, यहाँ तक ये हमारी सब 2.5 इंच है, तो 2.5 इंच पर हम ये गोलाई करेंगे। फिर हम अपनी लेंथ रखेंगे, यहाँ से हम ये 5 इंच रख रहे हैं। इसी तरह इसको गोल घुमाएंगे। इस तरह ये हमने इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा रख लिया है। अब हम इसमें नीचे हैंकी कट कटिंग करेंगे। कटिंग अब हम किस तरह करेंगे, ये जो हमने ऊपर वाला पोर्शन लिया है अपना, और इसका हम बीच का पोर्शन ले लेंगे। इस तरह इसको पेपर को फोल्ड कर लेंगे जिससे हमारा बीच का सेंटर आ जाए। ये हमारा बीच का सेंटर है, इसमें हम इस तरह लेंगे यहाँ से 1 इंच से सेंटर में। तो जो ये हमारा नीचे का डिजाइन आएगा वो इस तरह आएगा, ऊपर ये हमारी चोली ज्वाइंट हो जाएगी और नीचे का ये डिजाइन होगा। यहाँ से हम इसको ओपन रखेंगे फ्रंट से, तो यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे। हमने ये दोनों पीस की कटिंग कर ली है। अब यहाँ इसको इस तरह रखेंगे और इसमें 1 इंच के हम जो फैब्रिक में ये कटिंग करेंगे तो 1 इंच की करेंगे। यहाँ तो मैं आपको रफली बता रही हूँ ना, पीस हमें निकालना है। इस तरह हमने ये कटिंग कर ली है। ये हमारा इस तरह आएगा। जो हमने ये कटिंग की है वो इसलिए की है कि यहाँ से जो फ्रंट से हमारा थोड़ा ओपन रहना चाहिए, तो इसलिए हमने ये थोड़ी थोड़ी यहाँ से कटिंग कर दी है। इसी तरह जिस तरह हमने ये अपनी ड्राफ्टिंग कट की है, इसी तरह हम अपना फैब्रिक कट करेंगे। मैंने इसलिए छोटे पीस पे समझाया है जिससे कैमरे में पूरा आ जाए और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इस तरह हमने अपनी ऊपर की चोली पर निशान लगा लिए हैं। यहाँ से हमने शोल्डर लिया है 7 इंच, यहाँ से हमने 8 इंच लिया है, क्योंकि जो शर्ग होता है उसका आर्मोल थोड़ा लूज ही होना चाहिए, इसलिए हमने ये 8 इंच रखा है, 1/2 इंच बढ़ाकर। यहाँ से चेस्ट का फोर्थ भाग लिया है, यहाँ से वेस्ट का फोर्थ भाग लिया है, और ये मैंने 1/2 इंच पर एक लाइन बना ली है फ्रंट के पोर्शन के लिए। नेक लिया है हमने ये बैक के लिए लिया है 1 इंच पर, और ये 3 इंच पर फ्रंट के लिए लिया है क्योंकि इसमें हम कॉलर लगाएंगे।
यहाँ से जो हमने अपना नेक रखा था वो 3.5 इंच रखा था और 1/2 इंच हमारा यहाँ आ गया है, तो ये हमारा नेक 3 इंच का रहा। अब हम नीचे की घेर कट कर लेंगे। इस तरह हमने अपने फैब्रिक डबल फोल्ड किया और इसको तिकोना कर लिया है। ये अपना फ्रंट पीस लेंगे, हम 1/2 इंच इसमें पहले से ही निकाल चुके हैं, तो इसमें हम फैब्रिक में नीचे वाले में नहीं निकालेंगे। अब हम ये वाला फैब्रिक एक इसके ऊपर रखेंगे इस तरह। अब ऊपर से लेंगे इस तरह, 14.5 इंच पर है, इस तरह ही हमने 2 लाइन बना ली है गोलाई में। अब हम इसका बीच के पोर्शन पे निशान लगाएंगे। यहाँ से हमने ये थोड़ा सा चेंज किया है, ये जो हमने निशान बीच में लगाया था, एक जो इंच बढ़ाया था वहां पर, उससे हमने ये 2 इंच नीचे लगाया है निशान। और यहाँ पर हमने जो 2 इंच पर लगाया था, यहाँ पर 1 इंच पर लगाया है, क्योंकि यहाँ से हमारी जो लेंथ है वो कम हो रही थी, इसलिए यहाँ से हमने कम कर दिया 1 इंच, और यहाँ पर हमने 2 इंच 3 इंच बढ़ा दिया है। इसी तरह उधर भी हमने 1 इंच कम कर दिया है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी कटिंग इस तरह आएगी। अब हम स्लीव्स कट करेंगे। ये जो हमारा फैब्रिक बचा है नीचे घेर में से, इसमें से ही हम अपनी स्लीव्स निकाल लेंगे। यहाँ से लेंथ लेंगे, यहाँ से आगे की गोलाई लेंगे। आप चाहे तो इसमें अम्ब्रेला कट सीरीज भी निकल सकती है। वो कैसे निकलेगी, ये हमारा आगे का पोर्शन होगा और ये पीछे का पोर्शन होगा, लेकिन अभी हम इसमें सिंपल स्लीव निकाल रहे हैं। इस तरह ये हमारी प्रॉपर कटिंग हो चुकी है। अब हम पहले इसकी चोली तैयार करेंगे, फिर बाद में इसके घेर ज्वाइन करेंगे। इस तरह ये हमने दोनों शोल्डर ज्वाइंट कर लिए हैं। अब हम फ्रंट का जो पोर्शन है हमारा, उसके नीचे का जो घेर है वो ज्वाइंट करेंगे। घेर को भी हम अलग अलग कर लेंगे, 2 पीस कर लेंगे फ्रंट के। ये हमने फ्रंट पोर्शन लिया है और इसके हमने बीच में से कट किया है, इसको 2 पीस कर लिए हैं। एक पीस हम इस साइड ज्वाइंट करेंगे और एक दूसरी साइड। इस तरह ये हमने एक पीस अपना ज्वाइंट कर लिया है। पहले हम आपको एक पीस तैयार करके बता देते हैं कि हमें ये फ्रंट कैसे तैयार करना है। अब हम ये वाले पीस पर एक प्लेन पट्टी लेंगे, वो लगाएंगे। ये हमने प्लेन फैब्रिक लिया है और ये हमने लेस ली है, ये हमारी पोमपोम वाली लेस है, तो ये हम दोनों चीज एक साथ लगाएंगे, लेस भी और पट्टी भी। वो हमें किस तरह लगानी है, पट्टी को हम इस तरह रखेंगे उल्टी साइड, इस तरह उल्टी साइड रखेंगे और इसके अंदर बीच में ये पोम पोम की लेस रखेंगे। और यहाँ पर तीनों चीज पर सिलाई लगा देंगे। इसी तरह हम ये पूरी लंबाई में सेट कर लेंगे। इस तरह सिलाई लगाकर हमने ये जो बीच में पोम पोम वाली लेस लगाई है वो सेट कर ली है। अब इस पट्टी को हमने सीधी तरफ रखा है, इसको हम पहले एक सिलाई यहाँ पर लगाएंगे पोम पोम के पास, जिससे ये आगे का फैब्रिक सेट हो जाए।
इस तरह हमने एक सिलाई यहाँ पर लगा ली है। अब हमें जितनी चौड़ी पट्टी यहाँ पर रखनी है फ्रंट में, उस पर निशान लगा लेंगे। अगर हमें 1 या 2 इंच की रखनी हो या 3 इंच की, जैसे भी जितनी भी चौड़ी आपको रखनी हो उसके अकॉर्डिंग आप निशान लगा लें। निशान हम इसलिए लगा रहे हैं जिससे हमारी पट्टी निशान लगाकर एक जैसी आए, ऊपर से नीचे तक सेम आए। इस तरह हमने पट्टी पर 2 इंच का निशान लगाया और इसको पूरी लाइन में 2 इंच पर फोल्ड कर दिया है। और यहाँ पर इस तरह हमने ये पिन लगा लिए हैं। अब हम यहाँ पर इसके किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह ये हमने एक साइड का पीस तैयार कर लिया है फ्रंट का। इसी तरह हम अपना ये नीचे वाला पीस ज्वाइंट करेंगे और इसी तरह पट्टी लगाकर दूसरा पीस भी तैयार कर लेंगे। इस तरह ये हमने फ्रंट के दोनों पीस तैयार कर लिए हैं। इस साइड में हमने पट्टी लगाकर फोल्ड कर दिया है। अब हम इसका बैक साइड ज्वाइंट करेंगे और यहाँ से इसको इस तरह ज्वाइंट कर देंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम गैदर डाल देंगे। अब हम इसमें साइड की सिलाई लगा देंगे। इसी तरह हम दूसरी साइड की भी सिलाई लगा देंगे इसमें। इस तरह इसमें हमने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब हम इसका नेक तैयार करेंगे। नेक में कॉलर लगाएंगे। पहले हम नेक का मेजरमेंट लेंगे। नेक का मेजरमेंट इस तरह लेंगे। ये हमारा नेक 17 इंच है, तो 17 इंच की हम बुकरम की पट्टी कट कर लेंगे। इस तरह ये हमने 17 इंच की बुकरम की पट्टी कट कर ली है। यहाँ से ये हमारी 1.25 इंच की है। अब हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे। और जितनी नेक में हमने गोलाई की थी उतनी यहाँ पे निशान लगा लेंगे 3 इंच पर। यहाँ पर 3 इंच पर हमने निशान लगा लिया है। यहाँ पर 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे और इस निशान को इस तरह 1/2 इंच पर मिला देंगे। और आपको जिस शेप में रखना हो कॉलर, उस शेप में हम यहाँ पर गोलाई कर देंगे। इस तरह ये हमारा कॉलर कट हो गया है। ये जो हमने नीचे से 3 इंच की शेप ली है ये हमारी नीचे की साइड आएगी। अब हम फैब्रिक लेंगे। ये हमने फैब्रिक लिया है। अपनी बुकरम को यहाँ पर प्रेस से चिपका, इस तरह हमने अपने फैब्रिक पर बुकरम को चिपका लिया है और डबल फैब्रिक कर लिया है। अब हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। यहाँ इस तरह सिलाई लेंगे यहाँ से और पूरी गोलाई में सिलाई लगा देंगे और यहाँ तक। ये फैब्रिक हमने थोड़ा थोड़ा कट कर लिया है क्योंकि यहाँ पर हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे फैब्रिक को और अब सिलाई लगाएंगे। इस तरह हमने अपना कॉलर सीधा कर लिया है। अब जहाँ पर ये हमारी बुकरम है वहाँ एक लाइन बना लेंगे। और 1/2 इंच फैब्रिक रखेंगे और एक्स्ट्रा कट कर देंगे। और अब अपना नेक लेंगे और ये कॉलर यहाँ पर सेट कर लेंगे। और यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। आप इसे पहले कच्चा भी कर सकते हैं जिससे ये आसानी से लग जाए।
इस तरह एक कॉलर हमने सेट कर लिया है। अब हम ये सिलाई अंदर करेंगे और एक कॉलर इसके ऊपर रखेंगे और एक सिलाई लगा देंगे। इस तरह ये हमारा कॉलर रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह ये हमारा कॉलर तैयार हो गया है। अब इसका नीचे का जो पोर्शन है उसको तैयार करेंगे। यहाँ पर पहले जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो निकाल लेंगे। हम इसको फैब्रिक को इस तरह अंदर की साइड फोल्ड करेंगे बारीक बारीक और ये यहाँ पर इस तरह पोम पोम सेट कर देंगे। हम इसको इस तरह घुमा लेंगे कोने को और इसको फिर से फोल्ड करेंगे। इसी तरह हम अपने पूरे घेर में ये पोम पोम वाली लेस लगा लेंगे और कोना हमने जिस तरह बनाया है इसी तरह बनाएंगे। इस तरह ये हमने नीचे की साइड इसमें लेस लगा ली है पूरे घेर में और स्लीव्स लगा ली है और ये हमारा श्रग तैयार हो गया है और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मैं इसको आपको डमी को पहना के दिखाऊंगी। पहले मैंने इसलिए आपको इसको नीचे दिखाया है कि इसके कितने ज्यादा घेर है और किस शेप में इसके घेर आए हैं। आप भी इस तरह का श्रग बनाकर जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। थैंक यू।